हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज फिर एक और सिंगरफ का कुश्ता नामर्दी का बादशाह M6 यानी कि महारथी 6 के लिए जो मैंने सिंगरफें आपको बताई हैं, उनमें से ये सिंगरफ मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो दोस्त बनाएगा वो बस याद करेगा कि कभी ज़िंदगी में किसी इंसान ने कुछ बताया था। दोस्तों, मैं तहे दिल से आपको सब कुछ बताता हूँ। किसी प्रकार की कोई चाबी या बीच में कोई नुस्खा नहीं रखता, लेकिन फिर भी दोस्त मुझे शक की निगाह से मैसेज करते हैं कि साहब इसको ऐसे करना है या ऐसे हो जाएगा। तो जो बातें करने वाले हैं वो सारी उम्र बातें करेंगे, जो नुस्खे लिखने वाले हैं वो केवल कापियां भर भर कर रख देंगे, और जो करने वाले हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। सो दोस्तों, यह नुस्खा आपने सिंगरफ कैसे बनानी है यह मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 तोला सिंगरफ की डली लेनी है शुद्ध की हुई। उसके बाद उसको आपने खरल में डालकर और उसकी चमक ख़त्म करनी है। जब आपको लगे कि इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बीच में 1 तोला यानी कि हम वज़न जितनी आपने सिंगरफ ली है उतनी आपने काली माई शमा देवी वो लेनी है बिल्कुल प्योर। तो उसकी 4-6 घंटे तक खरल करें। जब वो बिल्कुल लेटी सी आपके खरल को और डंडी को चिपकने लग जाए, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना, उसमें 1 तोला आक का दूध डालना है। 1 तोला आक का दूध डालना है बूंद बूंद करके, और उसको 4 से 6 घंटे की खरल देनी है, कम से कम 4 घंटे की। क्यों 6 घंटे की नहीं, लोगों पे होती, लेकिन हम तो 6 घंटे से कम खरल नहीं करते। 4 से 6 घंटे की खरल दें, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटे 6 घंटे रेगुलर लगे रहें। आप बीच में कुछ रेस्ट भी मार सकते हैं, बस उसका समय नोट करें। तो उसमें 1 तोला ही दूध जज्ब करना है। इस प्रकार आपने उसमें 40 तोले दूध जज्ब करना है। ठीक है जी, 40 दिन लगेंगे। उसके बाद इसको 1 तोला हर रोज बड़ का दूध जज्ब करना है। इसमें जब बड़ का दूध डालते हैं तो यह एक रबड़ सी नुमा बन जाती है। इसको खरल आपको रेगुलर करनी है, 2 घंटे 2.5 घंटे कर सकते हैं। तो इसको 40 दिन तो आपने आग का दूध, 40 दिन बड़ का दूध खरल करके। तो अगर कोई दोस्त सिंगरफ को खुराकी अपने लिए बनाना चाहता है, और मैं उसके लिए ये भी कर देता हूँ कि वो बड़ का दूध नहीं भी डालेगा फिर भी ये काम करेगी। बड़ का दूध डालेंगे तो थोड़ी सी अनजान आदमी पे तकलीफ होगी, और जो जिसने कम किया है उसके लिए वो बड़ का दूध रहने देगा। केवल यह नामर्दी को ठीक करेगी, ताकत देगी, लेकिन यह टाइमिंग नहीं बनेगी। अगर बड़ का दूध भी डालते हो तो टाइमिंग भी साथ देगी।
ठीक है, आप चाहें बिना बड़ के दूध से भी बना सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, उसके बाद इसकी आपने एक देसी अंडा लेना है, देसी मुर्गी का अंडा जो मुर्गियां लोग घर में रखते हैं, उस मुर्गी का अंडा लेकर उसको थोड़ा सा फोड़ दें। फोड़ कर तो फिर उसमें से सारा झिल्ली मवाद निकाल दें। तो यह कर्म आप 5-4 दिन पहले अंडे को फोड़ के रख लें, फिर उसको धूप में रखेंगे, उसके अंदर ना झिल्ली चिप जो उसका लेसदार है वो परत सी चिपक जाती है, फिर किसी चिमटी से ऐसे खींचोगे तो उसके अंदर से सारी झिल्ली परत बाहर निकल जाएगी, वो बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बीच में आपने यह टिक्की डालकर, और जहाँ से वो अंडा फोड़ा उसके ऊपर दूसरे अंडे को ऐसे काट कर वो उसके ऊपर फिट आ जाता है, ऐसे फिट करके ऐसे 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 उसके ऊपर ऐसे कैप चढ़ जाती है ऐसे, ठीक है, कैप चढ़ के उसको कपड़ा लपेट कर गिल हिकमत कर लें, मिट्टी से करनी है उसकी, थोड़ी गिल हिकमत करके तो आपने यह अंडा अपने पास रखना है। जब ये गिल हिकमत बिल्कुल सूख जाए, अगर उस पर कोई दरार हो जाए तो दोबारा उसमें मिट्टी भर के दूसरी से फिर, तो दोस्तों क्या करना है, आप क्या करें यह भी मैं निकाल देता हूँ। जो मिट्टी है, अच्छी चिकनी मिट्टी है, उसको लेकर उसको इतना बारीक पीसें कि वो छन्नी से छान लें। जब छन्नी से छन जाए तो उसके बीच में जितनी मिट्टी है उतनी ही चीनी डाल दें, शक्कर चीनी जिसकी चाय बनाते हैं, उसको पीस कर उसमें मिलाकर फिर पानी डालकर उसको अच्छी तरह से गूंदें, गूंद कर एकदम लेप सा बना लें, वो ऐसे ऐसे की चीज़ पर लेप लगाएं, थोड़ा थोड़ा दो दो सूत ऊपर कपड़ा लपेट दें, फिर लेप लगाएं, फिर कपड़ा लपेट दें, फिर लेप लगाएं, कपड़ा लपेट दें, ऐसे गिले हिकमत आपके लिए सबसे आसान रहेगी, यह मजबूत गिले में हिकमत हो जाती है। तो जब उसकी बिल्कुल गिले हिकमत सूख जाए, उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, 3 पा कपड़ा हो सूती और पुराना, जैसे पहले हम रजाइयों के ऊपर वाइट सा कवर नहीं चढ़ाते, उसको गलेब से चढ़ाते हैं, जिसको पंजाबी में शाड़ बोलते हैं, शाड़ वो कपड़ा होता है, क्यों जब आता है जब उसमें मावा मुआ सा कुछ होता है तो जब उसको बीबियाँ 5-4 बार धो देती हैं तो वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, वो कपड़े की लीरें पाड़ लें, दो दो इंच की, दो दो उंगल की, फिर उस गोले के चारों तरफ ऐसे 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 चारों तरफ बराबर की लपेट दे जाए कस कस कर, वो सारा कपड़ा लपेट देंगे तो इतना मोटा सा गोला बन जाता है, काफ़ी बड़ा। आपने कस कस कर इस हिसाब से लपेटना है कि आपके पास जो बर्तन हो उसके अंदर वो गोला रखा जा सके। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, उस गोले को किसी गड़ा लें, गड़ा मटका हो या कोई कोई सा भी बर्तन हो, बर्तन मटके जैसा बर्तन हो, क्यों हवा चले तो उसके हवा ना लगे, उसके अंदर इसको रख के, जैसे ये मान लो ये गड़ा है, इसके अंदर आपने ये गोला रख दिया, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, चाहे तो छोटा सा टुकड़ा कपूर का लें, उसको ऊपर रख के उसको आग लगा दें कपूर को, तो वहाँ से आग लग जाएगी तो वो आस्ता 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 आस्ता, क्यों वो ऊपर से थोड़ा बड़ा होगा, बड़ी आराम से वो जलेगा, वो दुखता रहेगा, धुआं ने ऐसी जगह पर रखा जहाँ आपको धुआं ना करे, अलग कमरे में रख दें या कहीं ऐसी जगह जहाँ हवा ना पड़े और वो 2-3 दिन पड़ा रहे। 3 दिन के बाद आप उसमें से आहिस्ता से उसको निकालें, कपड़े को आस्ता 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 सा साइड में कर दें, क्योंकि कई बार किसी पे गिले हिकमत की में प्रॉब्लम हो, वो ना तोड़ दी हो, तो जब आपने अंडा रखना है उस पर गिले हिकमत, उसकी भी निशानी लगानी कि ज्वाइंट वाला पासा ऊपर रहे, तो
तो फिर आपने वो निकाल कर उसको बीच में से सिंगरफ निकाल लेनी है। अगर आपने दूध बरगद लगाया तो वो बिल्कुल वाइट मिलेगी, नहीं तो आपको स्लेटी रंग का एक कुश्ता मिलेगा सिंगरफ का। अगर हल्का रेड भी हो तो कोई चक्कर नहीं, वो आपका बन चुका है, बस उसको ऐसे मसलने से वो कुश्ता होना चाहिए, ठीक है, सख्त ना हो जैसे सिंगरफ होती है। फिर उस टिक्की को पीस कर तो इसको आप रख लें। यह एक माशा आपने अपनी M6 में डालनी है। इस प्रकार से ये एक महफूज करके सिंगरफ रख लें। और दूसरी, जिन्होंने यह नहीं बनाना मेरे भाई, अकेली ये सिंगरफ ही, अकेली ही ये सिंगरफ आप एक से दो चावल किसी भी दोस्त को दें और उसकी नामर्दी दूर होगी, उसके शरीर में ताकत आएगी, जिनको पट्ठों में बहुत कमज़ोरी है वो ठीक होगी। जितने भी अमराज मैंने पहले आपको जितने भी बता रखी हैं वो सारे काम करेगा। और यह कुछ दिनों में आदमी का रंग पे देखने वाला कहेगा भी आप क्या खा रहे हो, दूध घी का प्रयोग करवाना है यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे खानी है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चंद दिनों में 15 दिन आदमी को खिला देंगे। वैद सिंगरफ पारा संख्या ऐसी चीज़ें 6-7 दिन में ही आदमी को रिजल्ट दिखा देती हैं। तो आप कुछ स्टॉप करके फिर 5-7 दिन खिला दें। अगर किसी की किस्मत ज़्यादा कमज़ोर है, या किसी को ज़्यादा कमज़ोरी है, या उसका शरीर एडजस्ट नहीं कर सका पहले आदमी को कुछ खिलाने से पहले, उसका मैदा जिगर और इसकी सिलाई कर दें, उसका पेट साफ़ कर दें, उसकी नॉर्मल स्थिति बनाकर फिर खिलाएं। देखो नज़ारे सिंगरफ के, तो यह सिंगरफ भी आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों, बनाएं। अब ऐसा होता है ना, किसी भी चीज़ का आज के ज़माने में किसी भी चीज़ का ना कोई दावा रहा है ना गारंटी रही है। लोगों ने अब आप अपने मरीजों को बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से ही दवाई दें। अगर केवल आपको अपनी बनाई हुई चीज़ पे अगर उस पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उसके ऊपर अपना पूरा विश्वास नहीं है, आपको अपना उसके ऊपर दावा नहीं है, तो वो चाहे इंसान जैसा मर्जी हो उसको फ़ायदा देगी या ना देगी ये उसकी किस्मत है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल तरीके से इसकी मेहनत की है तो आप दावे से, आप खुद एक दो खुराक खाए देखने जा रहे, तो दावे से आप किसी को दवाई देंगे तो दावा तब होगा क्योंकि आपने मेहनत की है, तो अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा भी उसमें बरकत डालता है। और खाने वाला इंसान को भी बिल्कुल अच्छी सा समझाएं कि भाई मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, अगर तेरे खाने में तेरी परहेज में फ़र्क हुआ था ना, 2-4 खुराकें ज़्यादा खा लेगा, नहीं तो यह 7 खुराकों में आपके अंदर ताकत पूरी भर देगा। तो दोस्तों यह बनाएं और अपने दोस्त को दुआ में याद रखें। धन्यवाद।